हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, दीज टू इनपुट्स आर गिवन टू नैंड गेट। ये दो इनपुट्स हैं जिनकी ये वेवफॉर्म बनाई हुई है, एंड ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। तो आउटपुट वेव आपको बतानी है और दो इनपुट ये आपको दी हुई है, ठीक है। तो देखो आपको पता है जीरो या वन की फॉर्म में हमारी इनपुट होती है, तो ये देखो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि जीरो वन की फॉर्म में ये कैसे दी हुई है। देखो जैसे ये मैंने आपको बताया था डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है ना, वहाँ पर ये देख लो डिजिटल वेव ही बनी हुई है। देखो कैसे, जो ये डाउन में है वेव ये होगी हमारे पास जीरो, जो अपर में है ये वन, फिर अगले इंटरवल के लिए ये भी वन। देखो ना यहाँ से ये जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, एंड सो ऑन, ये नाइन टू टेन, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमने ये पता कर लिया, ए में ये जैसे जीरो है, फिर वन है, फिर वन है, फिर जीरो है, फिर ये ऊपर जा रही है वेव, ये वन, ये भी वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो। ऐसे ही बी में देख लो, बी में ये ऊपर है और ये ऐसे नीचे है, तो इसका मतलब ये वन होगा, ये वन होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, और ये वन, और ये वन, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और नैंड गेट का आपको जो है ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर नैंड गेट के ऑपरेशंस पता होने चाहिए किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। देखो यहां पर हम बना देते हैं इसका ट्रूथ टेबल सॉल्यूशन में। देखो जी ट्रूथ टेबल यहां लिखते हैं इसका, और फिर हम ट्रूथ टेबल में जब आउटपुट ले आएंगे तब उसको देखकर हम आउटपुट वेव भी बना देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहां इसमें लिखेंगे कैसे, इंटरवल, यहां लिखेंगे हम इंटरवल, ठीक है। इंटरवल देख लो कैसे चल रही है हमारे पास, जीरो से वन है, फिर वन से टू है, फिर टू से थ्री है, थ्री से फोर है, फोर से फिर फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन, एंड नाइन टू टेन, ये है हमारे पास इंटरवल इसके, ठीक है। और जो ए इनपुट है यहाँ पर वो किस तरीके से दी हुई है वो देखो ज़रा, ज़ीरो से वन में ज़ीरो है, फिर वन से टू में ये कितनी है, वन है, फिर वन है, फिर ज़ीरो है, फिर वन, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, ये लिख रहा हूँ मैं, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो, यही है इतने इंटरवल्स में। ज़ीरो से वन में ज़ीरो होगी, वन से टू में वन होगी, फिर टू से थ्री में भी वन होगी, वही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए भी लिख लोगे यहाँ पर, सिंपल है कहानी या कुछ मुश्किल है, बी के लिए भी ऐसे ही लिख लो। देखो क्या है, जीरो से वन में वन है, फिर वन से टू में कितना है, वन है, फिर सो ऑन, ये जीरो है, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट देखो वाई होगी आउटपुट हमारे पास इसकी, ठीक है। तो वो देखो कैसे आएगी, नैंड गेट आपको पता है क्या होता है, क्या ऑपरेशन होता है उसका, अगर आपको याद है लॉजिकल ऑपरेशन वो क्या थे, वाई इज इक्वल टू में ए डॉट बी बार, मतलब क्या है, एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा होता है वो होता है नैंड गेट। तो मतलब जो एंड गेट के आपके पास आउटपुट आएगी वो नॉट में जा रही है तो वो उसको पलट देगा, यही मतलब हुआ, इसलिए लिखा हुआ है ए डॉट बी, किसका ऑपरेशन हो गया, एंड गेट का, और ऊपर बार लगा दिया तो मतलब क्या, उस वैल्यू को वो पलट देगा, तो ये आउटपुट होगी हमारे पास किसके लिए, नैंड गेट के लिए। तो देखो आपको पता है एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का ही होता है पार्ट, तो देखो जीरो इंटू में वन मल्टीप्लाई करो, जीरो होता है, लेकिन क्या होगा, पलट देंगे वैल्यू को, क्या हो जाएगा हमके पास, यहाँ वन आएगा, क्या इतनी बात समझ में आई है। देखो जो नैंड गेट होता है उसका सिंबल ये होता है आपके पास, दो इनपुट हो गई एक आउटपुट हो गई, ठीक है, और ये नैंड के लिए लग गया, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछ भी सकता है कि ड्रो इट्स लॉजिकल सिंबल, तो ये आप सिंबल भी इसका ड्रो कर सकते हो कि ए और बी इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है, ठीक है। तो ये बना कैसे होगा, देखो ये एंड गेट और फिर यहाँ पर लगा होता है नॉट गेट, इस तरीके से, ये मैंने आपको ट्रूथ टेबल जब करवाए थे तब वहाँ पर भी समझाया था, तो इसी को मर्ज करके इस तरीके से बना देते हैं, ये हो गया हमारा नैंड गेट। तो एंड के ऑपरेशन आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, नैंड के निकाल सकते हो, वो कैसे, नॉट गेट की वजह से क्या होगा, एंड के ऑपरेशंस को पलट दो तो वो क्या हो जाएंगे, नैंड के ऑपरेशन हो जाएंगे, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। देखो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि एंड के ऑपरेशन याद करो फिर नॉट गेट लगाओ उससे उसकी वैल्यू पलट दो, देखो आपको एकदम से रट्टा तो लगाने की जरूरत नहीं है उन ट्रूथ टेबल पे, ठीक है ना, आपको समझना है, अगर वो समझ में आ गए आपको तो आप यहाँ पर बना सकते उनको या नहीं, क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, याद रखना मुश्किल है लेकिन अगर आपको ऑपरेशन पता है तो आप वहां लिख सकते हो आराम से या नहीं। जैसे देखो हमें पता था जीरो को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, दैट इज एंड का ऑपरेशन हो गया ये, ठीक है, फिर उसको वैल्यू को पलटेंगे हम तो क्या होगा हमारे पास, वन आएगा। ऐसे ही वन मल्टीप्लाई में वन क्या होता है, वन पलट दो जीरो होगा, वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो होता है पलट दो वन होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो जीरो होता है पलट दो वन होगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन होगा और पलट दो जीरो, वन मल्टीप्लाई वन वन और यहाँ जीरो आएगा, फिर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो तो यहाँ वन आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो तो यहाँ वन आएगा, और फिर ये जीरो मल्टीप्लाई बाय वन तो क्या आएगा बताओ, जीरो को मल्टीप्लाई करो वन से जीरो तो यहाँ वैल्यू वन आएगी, जीरो को मल्टीप्लाई करो वन से तो जीरो तो यहाँ वैल्यू वन, क्योंकि नैंड में क्या हो जाती है वैल्यूज पलट देगा एंड गेट की, क्लियर है, क्योंकि एंड के आगे ही नॉट गेट लगा होता है नैंड में, यही तो है और क्या है बताओ। अब इसकी आप आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हो, अगर यहाँ पर आउटपुट आ गई आपके पास ट्रूथ टेबल में तो आप बना सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पर देखो जरा कितने इंटरवल थे ये हमारे, टेन थे ना, जीरो से वन, वन से टू में, इस तरीके से, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लाइंस लगाओ,
ये हो गई एक लाइन, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और ये हो गई टेंथ। 0 1 2 दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और एक हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गई 10। ठीक है, अब देखो 0 से 1 के लिए आउटपुट क्या है, 1, यानी कि इसमें क्या होगा अब आपके पास बताओ, जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, 0 से 1 में 1 है, फिर 1 से 2 में क्या है, 0 है, तो 1 से 2 में 0 है, तो ये नीचे आएगी वैल्यू इस तरीके से। फिर 2 से 3 में 1 है, तो 2 से 3 में 1 करना है, तो ये ऊपर लेकर आना पड़ेगा इस तरीके से, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो ना, फिर अगले में क्या है, 2 से 3 में 1 हो गया, फिर 3 से 4 में भी 1 है, तो ये आगे बढ़ा दो, 1 हो गया। फिर 4 से 5 में 0 आ रही है, तो ये 0 नीचे आएगी। फिर 5 to 6 में भी 0 है, तो ये 0 ही आएगी। 6 to 7 में 1 है, तो ये ऊपर जाएगा। फिर 7 to 8 में भी 1 है, आउटपुट देख रहा हूँ मैं ये। ठीक है, और 8 to 9 में भी क्या है, 1 है, 8 to 9 में भी 1 है, और 9 to 10 में भी 1 है। तो ये आपके पास आ गई आउटपुट वेव फॉर्म। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या आई है आपके पास, आउटपुट वेव फॉर्म आई है। कितनी बात समझ में आई है या नहीं, किसकी वेव फॉर्म है ये, वाई की, क्योंकि आउटपुट हमारे पास वाई है, इस वजह से आया समझ में कैसे हमें वेव फॉर्म बनानी है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और ये डिजिटल, और ये डिजिटल सिग्नल्स की वेव फॉर्म्स होती हैं, ये 0 और 1 में ही चलती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ जरा। तो देख लो कितना इजी है सब कुछ या नहीं। अब ऐसे ही ये 6 क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। इसमें बस नॉर गेट के लिए करना है, ये जो इनपुट है हमारे पास, इसको किस में भेजना है, नॉर गेट में भेजना है। तो नॉर के ऑपरेशन आपको पता है, तो आप आउटपुट निकाल सकते हो, फिर उसकी वेव फॉर्म बना सकते हो। क्लियर, तो चलो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।